और कमलेश हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी हुई है। हत्या के आरोपी का मददगार गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्यारों को पिस्तल देने का आरोप है इस पर। यूपी एटीएस ने कानपुर से गिरफ्तार किया है। फतेहपुर के यूसुफ खान ने हत्यारों को पिस्तल दी थी। हथियार सप्लायर है यूसुफ खान। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर कमलेश हत्याकांड से जुड़ी, जिसमें एक और गिरफ्तारी हुई है। हत्या के आरोपी का मददगार है यूसुफ, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस ने कानपुर से इस शख्स को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें फतेहपुर के यूसुफ खान ने हत्यारों को पिस्तल दी थी। ये मददगार हत्यारों के हथियार सप्लायर है यूसुफ खान। तो एक के बाद एक लगातार इस मामले को लेकर के खुलासे हो रहे हैं। और इस बीच ये एक और बड़ी गिरफ्तारी, जो सप्लायर है जिसने पिस्तल सप्लाई की थी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, कमलेश हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, जो कमलेश हत्याकांड की बात की जाए तो एक के बाद जो कड़िया है वो गुजरात एटीएस और यूपी एटीएस जो है वो लगातार खंगालने में लगी हुई है, और उससे जुड़े एक एक व्यक्ति तक जो कोशिश है उसको पूरी कर रही है। अगर ताजी अपडेट की बात की जाए तो कमलेश तिवारी की हत्या कांड में जो पिस्तल का प्रयोग किया गया था, वो पिस्तल कहाँ से मिली जो हत्यारोपी है उनको, तो उसमें एटीएस ने नया एक व्यक्ति की गिरफ्तारी करी है। यूसुफ खान जो है उसको गिरफ्तार किया है कानपुर से। इसकी गिरफ्तारी घंटाघर हरवस पवान एरिया से। इसके बाद प्रेस नोट जारी कर यूपी एटीएस और जो गुजरात एटीएस ने बताया कि यूसुफ खान जो फतेहपुर का मूल रूप से रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा ही जो हत्यारोपी है उनको पिस्टल मुहैया कराई गई थी, जिससे कमलेश की हत्या की गई थी। फिलहाल एटीएस ने गिरफ्तार कर अब पूछताछ कर रही है। अगर यूसुफ के बारे में बताया जाए तो फतेहपुर का रहने वाला है। वहीं बरामदगी की बात की जाए तो इसके पास दो सैमसंग के मोबाइल समेत तो फिलहाल यूपी एटीएस का क्या कहना है कि आगे भी गिरफ्तारी हो सकती है? क्या यूसुफ का कोई और भी साथी है? जी देखिए, जिस तरह से एक के बाद एक कमलेश तिवारी हत्याकांड से जुड़े किसी भी साजिशकर्ता या उसकी सहयोग करने वाले या फिर उसकी मदद करने वाले सदस्यों को किस तरह से कहां से कड़ियां जोड़ी गई है उस पर लगातार एटीएस जो है वो नजर बनाए हुए है। उसी के चलते गिरफ्तारी हुई है। तो अभी और भी जो है वो गिरफ्तारियां सामने आ सकती है, फिर और भी अपडेट सामने आ सकते हैं। फिलहाल यूसुफ गिरफ्तार किया गया, यूसुफ से पूछताछ होगी। उसके बाद यूसुफ ने किस तरह से साजिशकर्ताओं के पास पहुंचा, किस तरह से उसका कॉन्टेक्ट हुआ, कि उसको मालूम था कि नहीं मालूम था, तो काफी जांच के विषय है। उसके बाद ही पुलिस अभी और भी आगे तफ्तीश में अपने आगे लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। चलिए बहुत शुक्रिया प्रभात, आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।